What's up everybody, welcome back to my channel here, Subhadeep. तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. आई होप गाइस आप सब बहुत ही बढ़िया हो. तो गाइस आज हमारा प्लान है, मैं एक बहुत दिन से आप लोगों से कह रहा हूँ मैं एक हेलमेट परचेस करूँगा, बट बाहर मतलब अभी कोलकाता में इस वीक पे मैं ख़रीदने का प्लान था, अराउंड मंगलवार बुधवार को जाने वाला था, बट इतना बारिश हो रहा है भाई इस वीक पे. एक मतलब सिर्फ कल मतलब फ्राइडे सिर्फ बारिश नहीं हुआ, आज अभी फिर से बारिश होना शुरू हो गया. मैं मतलब उसके बाद मैं प्लान किया सैटरडे एकदम जाऊंगा, आज का टाइम इस टाइम मैं फ्री रहता हूँ. बट फ्राइडे में कुछ और वीडियो का प्लान किया था, बट वो वीडियो मैं शूट किया, बट थोड़ा वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसको दोबारा शूट करना पड़ेगा, हो जाता है कभी कभी. तो बेसिकली मैं पहले यूज़ करता था ये स्टील बर्ड का हेलमेट, ओके. तो मैं इसका भी टोटल मेरे चैनल पे वीडियो में जब एक ख़रीदने गया था, बहुत ही अच्छा हेलमेट है, बट दिस इज़ नॉट फॉर हाई स्पीड, ठीक है. मतलब 100, 110 तब तक के लिए हेलमेट सही है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं होता. बट उसके बाद ही जब मतलब स्पीड जब क्रॉस करते हैं, प्रॉब्लम क्या होता है, हेलमेट का साइड से हवा का साउंड होता है सौ सू करके, और इधर से ना बहुत ज़्यादा विंड घुसता है. तो उस वजह से इस हेलमेट में हाई स्पीडिंग के लिए उतना मैं प्रेफर नहीं करूँगा. तो इसलिए मैं क्या किया, आज मैं डिसाइड किया एक हेलमेट परचेस कर ही लेते हैं, बिकॉज ड्यूक 390 तो आ चुका है, अब तो राइडिंग गियर तो ख़रीदना ही पड़ेगा. धीरे धीरे मैं टोटल फुल बॉडी राइडिंग गियर भी खरीद लूँगा, अभी हेलमेट खरीदते तो अभी निकलूँगा मैं. बट प्रॉब्लम ये हो रहा है, बाहर का हालत जो है ना, अभी कभी भी बारिश लग सकता है. क्लियर बात, आप लोग को एक बार दिखाता हूँ बाहर का हालत. ए क्या हो रहा है, हाँ चलो ये खिड़की खुल के दिखा देते, छत पे और नहीं. अरे भाई जा, पूरा मतलब कभी भी बारिश आ सकता है, मतलब ऐसा मौसम है. ओफ शिट, अभी तो बारिश गिर भी रहा है, आई डोंट नो एज यू कैन सी गाइस. हाँ देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, बारिश गिर रहा है. तो कोई नहीं, ऐसे ही जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, देखते हैं. बारिश मतलब रुक जाएगा तो डेफिनेटली जाऊँगा, थोड़ा वेट कर जाते हैं. बट आज तो मैं गारंटी जाऊँगा, गारंटी जाऊँगा भाई साहब, गारंटी जाऊँगा. तो मिलते हैं बाइक पे एक बार एक्शन कैमरे पे, आई होप बारिश रुक जाएगा. गाइस मैं बोल रहा था बारिश आ जाएगा, बारिश आ जाएगा, तो अभी बारिश आ भी चुका है, एकदम बूंदाबांदी स्टार्ट, आसमान का हालत भी एकदम. ये देखो बारिश, आई डोंट नो ये बारिश कब तक रुकेगा, तो डेफिनेटली रुक जाएगा, उसके बाद ही निकलूँगा. बाइक एकदम क्लीन किया था आज, पूरा गंदा हो जाएगा, क्या कर सकते हैं, बाइक तो बाहर तो निकालना ही पड़ेगा ना. तो गाइस बारिश फाइनली जस्ट रुका है, तो इसलिए मैं निकल पड़ा हूँ. तो आई होप और बारिश नहीं होगा, फिर से बारिश होना चालू हो गया तो बस इसमें मेरा घाटा, तेरा घाटा नहीं होगा, मेरा घाटा होगा. जस्ट मैं तीन चार दिन पहले बाइक को प्रॉपरली वॉश किया था, पॉलिश किया था, आई डोंट नो फिर से इस पॉलिश का वाट लग गया. क्या कर सकते हैं, बाइक तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना बाहर. अभी भी जो बादल है ना वो डेंजरस है भाई, आई थिंक फिर से ये ढलवाएगा. तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ. अभी मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, निकल के थोड़ा गलती तो नहीं कर दिया. क्या कर सकते हैं और क्या बताऊँ, ये बारिश भी ना. मैं एक बात कहता हूँ, इतना दिन जो व्लॉग का गैप हुआ ना, ऑलमोस्ट 1 वीक से ज़्यादा हो गया, एक कोई व्लॉग नहीं आया मेरे चैनल पे, ये बारिश का वजह से हुआ बेसिकली. और एक व्लॉग था हेलमेट खरीदने के लिए जाऊँगा, तो एक तो बात था ही, और एक भी बाहर जाके व्लॉग शूटने का प्लान किया था, बट वो भी बारिश का वजह से नहीं हो पाया, क्या कर सकते हैं भाई साहब. हाँ, और एक जो मैं बोल रहा था फ्राइडे के एक व्लॉग शूट किया था मैं, वो व्लॉग था व्हाई शुड आई गो फॉर ड्यूक 390, बट अनफॉर्चुनेटली उस व्लॉग में ना मैं ठीक से मतलब अच्छे से बता नहीं पाया चीज़ को, एक्सप्लेन नहीं कर मतलब कर नहीं पाया, उस वजह से दोबारा उस व्लॉग को शूट करना पड़ेगा, समझे हो ना. चलो क्रॉसिंग हो गया, हमारे यहाँ पे 5 मिनट रुकना पड़ेगा, धीरे धीरे.
बारिश की वजह से थोड़ा ट्रैफिक थोड़ा कम है, नहीं तो ये सब रोड बहुत ट्रैफिक होता था भाई। बाप रे बाप कितना बड़ा बस बस। वाटर क्रॉसिंग क्या मतलब, धीरे 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 वाटर क्रॉसिंग कोई बात नहीं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, वाटर क्रॉसिंग। डर लोग पंचर नहीं हो जाने से होता है, पंचर हो जाएगा तो इस मतलब इस साइड में ना ब्रेक वगैरह होता है, इससे पंचर हो जाता है गाड़ी। आई थिंक समवन्स कॉलिंग मी, कोई बात नहीं, बाइक चलाते आते हैं, नो फोन। तो गाइज मैं जस्ट अभी गियर अप जो मैं राइडिंग स्टोर है वहाँ पे आ चुका हूँ और बाहर बहुत बारिश हो रहा था, उस वजह से मतलब उस टाइम और व्लॉग शूट नहीं किया, एक्शन कैमरा अंदर घुसा दिया था। तो बेसिकली यहाँ पे आने के बाद मैं बेसिकली MD का हेलमेट बहुत पसंद करता हूँ, बट MD का हेलमेट का यहाँ पे स्टॉक अभी थंडर सीरीज़ का स्टॉक नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ पे हो गया, नहीं तो एकदम आज ही फाइनल था, बहुत दिन से प्लान किया था। तो एक बार तो कलेक्शनटा देखी दीजिए, ठीक है सर। यहाँ पे बहुत सारा राइडिंग गियर मतलब अल्पाइन स्टार, उसके बाद LS2 एक्सेस MT और यहाँ पे बहुत सारे हैंड ग्लव्स BBG का पॉलिश वगैरह बहुत सारे कुछ है, राइडिंग गियर राइनॉक्स का नी गार्ड। यहाँ पे AGC का टोटल जो कलेक्शन है वो है, मैं देख रहा हूँ AGC का पसंद आया तो डेफिनेटली लूँगा, बट पर्सनली मेरे को MT ज़्यादा पसंद होता है। तो देखते क्या पसंद आता है, तो नहीं तो और क्या करें, थंडर 3 के लिए वेट करना पड़ेगा। ओके फर्स्ट एक बार मैं देख लेता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। तो गाइस अभी AGC का जो हेलमेट है ये मैंने ट्राई किया, ये बहुत ही मतलब ज़्यादा ही फिट हो रहा है, तो मतलब कह रहा है ये बाद में ठीक सही हो जाएगा, बट अब ये मेरा फ़ोन का माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, तो देखते हैं और क्या है। ये अच्छा है बट इसमें আচ্ছা এইগুলো কি আরো বেশি দিন 10-15 আচ্ছা বেসিক্যালি ইসকা যে কস্টটা অ্যারাউন্ড 7000 তো ই সেহি থা বাট और इसके ग्राफिक्स उतना मेरे को पसंद नहीं आ रहा, जो MT का जो थंडर सीरीज का जो ग्राफिक्स है वो मेरे को और भी ज़्यादा पसंद आ रहा है। MT और ऑनिक हेवी ना वही थंडर सीरीज भी देख तो है। अच्छा डुअल वाइजर ना इंटरप्ट है, डुअल वाइजर ठीक है। अच्छा 8 तक ওটা ওই যেটা দেখছিলে ওটা ইস কোই সাইজ, হ্যাঁ ওটা তো অন দুজো ছিল ওই এইগুলো সব সেম রেঞ্জ না। আর এটা 5000 750 কোন সাইজের নেই, এটা কি স্মল একদম আছে না XL ঠিক আছে। তাহলে কতদিনের মধ্যে স্টক আসবে একটু বলতে পারবে? এমনি করে বলা যায় না, আসবে স্টক এটা জানি, আগস্টের এন্ডে অবধি আসার কথা আছে। আগস্ট মানে একদম এমটি সব গুলি চলে আসে, সবই আর যা থাকে কোম্পানি সব আছে। ঠিক আছে এখন তো নিয়ে রাখি না, এর আগে লট তো ভান্ডার ছিল না কোম্পানির কাছে, না তাকে করে দেয়া হলো ঠিক থাকলে আমি নিশ্চয়ই আনবো। তো গাইস বেসিক্যালি আয়া দেখা স্টক টোটালি ইয়াপে ক্যা ক্যা হেলমেট হ্যায়। AGC का जो ग्राफिक्स है वो पर्सनली मेरे को उतना पसंद नहीं आया, बट MT मेरे को और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उस वजह से देखते हैं यहाँ पे स्टॉक कब तक अवेलेबल होता है, तो अभी तो क्या कर सकते नहीं है, तो अभी चलते हैं बिकॉज बारिश ऑलमोस्ट रुक चुका है, अब कब बारिश आ जाएगा कुछ गारंटी नहीं है, तो निकलते। तो गाइस निकलते हैं और क्या, जिस चीज़ का ज़रूरत था वो तो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला, तो क्या कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ वेलिंगटन जाने के लिए, वहाँ पे मैं भी मिल सकता है क्या नहीं। तो बेसिकली वेलिंगटन यहाँ से ना थोड़ा दूर पड़ेगा उस साइड जाने के लिए, देखते क्या किया जा सकता है। मेरे को ना कॉल करके एक बार पूछ लेना
पूछ लेने से ना अच्छा होता। क्या करे क्या करे। ओके देखते क्या किया जा सकता है। तो गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ और वेलिंगटन नहीं गया। क्यों नहीं गया? बिकॉज बारिश फिर से आ गया था, फिर से बारिश आ गया था। ऑलमोस्ट मैं भीग गया था और एक साइड का वहाँ पे जब मैं रिटर्न कर रहा था मैं सोचा था वेलिंगटन चला जाऊँगा, बट और नहीं गया बिकॉज फिर से बारिश आ जाएगा, पूरा एकदम पूरा भीग जाऊँगा। इतना मेहनत भाई नहीं है, जो किया वो बहुत किया और नहीं भाई। तो आफ्टरऑल मैं आज के सैटरडे है तो मैं कोशिश करूँगा मंडे को मैं फिर से वेलिंगटन जाऊँगा। वेलिंगटन उस दिन जाऊँगा, देखूँगा थंडर मिले तो थंडर सीरीज एमटी का बहुत ही अच्छा है, और नहीं मिले तो क्या कर सकते हैं, वेट करना पड़ेगा कब स्टॉक आएगा। तो बाकी सब समझ रहे हो ना। तो ये वीडियो थोड़ा लेट आया, मतलब लास्ट वीडियो जब छोड़ा था उसके बाद ये वीडियो का थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो कोशिश करूँगा रेगुलर व्लॉग छोड़ने का, रेगुलर नहीं सॉरी गलती से रेगुलर वर्ड बोल दिया। कोशिश करूँगा वीकली दो वीडियो लाने का। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट दिल से, थोड़ा सब्सक्राइब कर देना बस, और कुछ नहीं। बाय बाय, सी यू अगेन।